जरूरी है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो एक गायक हूँ। जाओ तुमको मैंने अपने सपनों में देखा है, मुझे अपने साथ ले चलो। चंपा, उसको साथ ले जाएंगे तो चला। पागल है
समझ जाओ। ये क्या था? पता नहीं। अंदर आओ। इधर करेंगे तो खतरा है, उनको पता चल जाएगा सामान कहां से आया है। अबे बावले, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? सामान बांट क्यों नहीं लेते? जिसको जो करना है वो अपने हिस्से के साथ करेगा। वापस देश चलते हैं, खुश रहते हैं, शादी करते हैं। किसको वापस देश जाना? अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे जमींदार तुम्हें खुश रहने देगा तो जाओ, लेकिन ये सारा लूट का सामान देखकर ये मत भूलना कि हम सब अपने अपने देश छोड़कर क्यों आए थे। बागी बनने से पहले हमें देश से निकाला गया था, भूल गए क्या? जो रास्ता हमने चुना है उस पर खुश रहना भूल जाओ, शांति नहीं मिलेगी। तो जंपा, ले आपने कोई भी को उसी जगह 10 बोरे सोना लेकर। सिर्फ 10? सिर्फ 10। दर्जन नाम तो बना से जेम दिन का रसद। तुम मुझे भगा रहे हो? भेज रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे लोग यहां से ज्यादा दूर नहीं पहुंचेंगे। वो मेरे लोग नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूं। यह नहीं हो सकता महारानी। तुम लोग जो कर सकते हो वो मैं भी कर सकती हूं। ए! अरे अगर मुझ सकते है क्या? मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। इसका काम तो हो चुका है, मेरे काम आ सकती है। तुम्हारे जैसे लड़कियों और इन गाठियों में कोई फर्क नहीं है। पता नहीं कितने घर वहां गुजर चुके हैं। तुमसे पहले किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई मुझे छू। दया आती है तुम्हारे ऊपर। रुको, जाने दो जवान, रुको। अब क्या? तुम्हें बुलाना चाहता था लेकिन
नाम नहीं मालूम था। उष्ण 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 आग उष्ण सही नाम है। मैं जलन जयंती हूँ। अच्छा चलते हो? धीरे धीरे तुम्हारी तरह नहीं। हंसरे चुप है जल रहा है साला। क्या देख रहे हो? मैं इसे क्यों खाती हूँ? कहाँ से आई हूँ? घर कहाँ है? तुम्हारे जैसे लड़के को गांव में होना चाहिए अपने पति के साथ। तुमको कुछ भी नहीं पता है, अकल के कच्चे हो। ए, ज़बान संभाल के बात कर। तुम हमारे क्या काम आ सकती है? जो बोलो। तूने कहा था ना तुम हमारे काम आ सकती है। तुम लोग उस रास्ते को लूटते हो जहाँ से चीनी व्यापारी रेशम लाती ले जाते हैं। हाँ। एक कारवां भी नहीं छोड़ते हो? नहीं। फिर भी रेशम हिंदुस्तान के बाजार में पहुंच रहा है। एक और रास्ता है मरुस्थल में से, भेड़ों के बीच से, एक ऐसी जगह से जो तुम नहीं जानते हो। और तू जानती है? तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अगर तुम गलत निकली
तो हमारा और तुम्हारा रास्ता अलग। जलान, मेरे रास्ते पे चलना सीख लो, मैं कभी गलत नहीं हो सकती। और कब तक चलेंगे? और ऐसा कोई रास्ता नहीं जो हम नहीं जानते, और ये कौन सा नया रास्ता है? हम अब भी वापस मुड़ सकते हैं चरण। उन बर्फीली चोटियों के पार गए हो कभी? नहीं। फिर क्या पता तुमको वहाँ क्या है? क्या है वहाँ? जाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? जलन, इसके भरोसे हम मुझे नहीं पता था तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज है। नहीं है। Thank you.
यही है। ठीक है, तुम लोग जाओ। अरे हाँ, एक लड़की भी थी, पता नहीं वो कौन थी, पुरानी नदी के पास मिली थी। कैसी के पास से वो भी गायब है। दिखती कैसी थी? कहना मुश्किल है, पहाड़न नहीं थी पर सुंदर जरूर थी। 6 दिन तक हमारे साथ थी, ना कुछ खाया ना कुछ पिया ना कुछ बोली। ठीक है, जाओ। इसके बिना कैसे पैदा हो सकता है? लेकिन नाभि नहीं तो मां के पेट में कैसे?
ये भी कुत्ता भी देखा है? नहीं, लेकिन उसने जरूर देखा होगा हमें। क्या वो वाकई मानव? मानव है, हिमानव है, या दानव है? एक बात तो पक्की है चंपा, उसे छंग बहुत पसंद है। बहुत ही बेहतरीन बंदूक है जनाब, पिस्तौल कहते हैं इसे। हाल ही की बनी हुई है, पिछले साल की। लिखा है देखो 1835। इंग्लिस्तान से अंग्रेज लेकर आए थे। चलकर इंग्लिस्तान पर धावा बोलते हैं। क्या साहब, कहाँ है इंग्लिस्तान? उधर वो पहाड़ देख रहे हो, उनको आप पार करोगे तो उसके बाद महासागर है, जिसके बीचों बीच एक बड़ा फैला टापू है, वही है इंग्लिस्तान। मैंने समुंदर कभी नहीं देखा है। 3 सोने के सिक्के जनाब, फिर मैं आपको खड़े खड़े यही समुंदर दिखा सकता हूँ। समुंदर निकाल। मैंने देखा है समुंदर। भरोसा करो, ताशी को कुछ नहीं होगा, मैं याती को जानती हूँ। वो ठीक बोल रही है जालान, ये तीर ताशी को छोड़ देगा। मुझे एक जगह मालूम है। हम आगे नहीं जाएंगे, वहां माला माल हो जाएंगे। पहली बार मैं जहां ले गई थी कुछ हुआ, और तो और हम ऐसी चीज लूटेंगे जिसका तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। लंबा रास्ता, कठिन है। पानी पिलाओ इसको। साला पानी भी नहीं है।
कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। कहाँ है वो आदमी जो तुम्हारे साथ था? कहाँ है वो? कौन आदमी? जिसके साथ तुम टांगे फैला लेती थी? कहाँ है? यहाँ ऊपर डेरा लगाना ही नहीं चाहिए था। पतली हवा तुम्हारे दिमाग पर असर कर रही है। पता नहीं क्या देख रहे हो। शायद भविष्य। थक गए हो? मेरे पास आओ। डर लग रहा है आने वाले कल से। डरो मत, कल हम एक खास आदमी से मिलेंगे। रुकना, गांव में खतरा हो सकता है। जब हम साथ हैं तो खतरा क्या? जो दौलत में खोया है वो शहद में पाओगे। मटकी संभालना। ये वाली? नहीं, वो वाली। आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद? ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा है। अजीब है। तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता है। तुम दोनों का भविष्य नहीं है। उष्णा, और हम तीनों का? मैं इन्हें कुछ नहीं करूंगी। चलो देखो ध्यान से और बताओ इनमें से कौन है जो किस्मत का खून है। दूसरों की तबीयत लूटने से कोई फायदा नहीं है। राय देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ध्यान से देखो। मेरे साथ चलो।
बशीर तो मर गया था। उन्हें खो दिया यति? नहीं 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 नहीं, वो तो मिल गए हैं। अब सिर्फ ये पता लगाना है कि वो हैं कहां। ये क्या हो रहा है? जाने की तैयारी? जंपा, बहुत दिनों से हमने यहां डेरा जमा रखा है, सूरज चूने से पहले हम नहीं निकले तो खतरा हो सकता है। तुम मुझसे पूछ सकते थे। तुम यहाँ थे कहाँ? करुणा है। क्या हो रहा है उसको? अरे सबने कर लिया। कब? अभी अभी कुछ दिया? अभी दे। क्या पता है हमको इस सूचना के बारे में? जहाँ बोलती हैं वहां जाते हैं, जो कहती हैं करते हैं, बिना कुछ कुछ। कहां से आई है? क्यों आई है? चंपा, हाँ चिल्ला तुम। तुमको तो अपने हाथ में लपेट रखा है, लेकिन ये कभी सोचा है क्या? अरे जहर, जहर क्यों पिला उसे? जहर जहर को काट रहा है। वो सब कैसे पता जो हमें नहीं पता? बहुत सारे सवाल पूछना चाहिए हमें। चंपा, साथ साथ हमें भी यहीं छोड़ दो। क्यों? तुम लोग धन दौलत लूटते लूटते थके नहीं क्या? हम तुम्हारे साथ नहीं आ रहे जलन। मेरी बात करो जनता, पूछ लो। यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे जलान। इंतजार करना ऐसा नहीं।
आशीर्वाद बाबा। बाबा हम आपको कुछ देना चाहते हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। जाओ। अब लेकिन हमें आपसे कुछ चाहिए। वाला क्या हुआ? अरे राक्षस देखा क्या कोई? क्या कर रहे हो जलन? चीजें जैसी थी वैसी नहीं अभी। हमने गांव छोड़ा, देश छोड़ा, क्योंकि अन्याय हो रहा था हमारे साथ। हमें दबाया जा रहा था, हमारी मर्यादा नष्ट हो रही थी, इसलिए हमने कसम खाई थी हम अपने तरीके से सर उठा कर जिएंगे। और सालों साल हम हिमालय में साथ घूमते रहे और साथ हमने सब किया। बस चंपा बस। क्या बस? और कब तक यलान? आज तक हमारे किस्मत में जो आया, हमने जो पाया, सब आपस में बांधा। सुख दुख, खाना पीना लूटपाट, सब आपस में बांधा। अब ऐसा हो गया है कि ये तेरा वो मेरा, तुम बदल गए हो जलन। मैं बदल गया? अगर ऐसा नहीं होता तो जो तुम्हारे पास है तुम बांटते हमारे साथ। ऐसा क्या है मेरे पास जो मैंने तुम्हें नहीं दिया? उस
रोने दो, पहचान में भी नहीं आता। सोचा नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा। बुरा और क्या होगा? मैं यहां इंतजार करूंगा। एहसान पर इंतजार मत कर, हम वापस नहीं आएंगे। जुनून और सुकून कभी एक साथ नहीं रह सकते। यति, देखो। उन्हें फिर से खो दिया। पर यति, क्या ये हो सकता है? जो होता है उसकी सच्चाई नशा उतरने पर ही दिखती है।
चलो घूमते हैं। कोई था क्या? नहीं तो जलान का है तुम्हारा ये रूहानी हुस्न भी जलन को तुम्हारा नहीं बना पाएगा। जलान का है जहां उसे होना चाहिए और तुम्हें जहां होना चाहिए तुम भी वहां के लिए रुखसत हो जाओ। कोई भविष्य नहीं है तुम दोनों का। वो मेरा है। तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए उष्णा। मुझे लौटना चाहिए यदि, लेकिन मुझे जो करना चाहिए वो मैं कभी नहीं करती। किस्मत वाला है। की बात है ये लड़का अब तक जीवित है। दवाइयों का भी कोई असर नहीं। इसके तो फेफड़े भी खाली हैं। लगता है किसी ने इसकी सांस चुरा ली है। घोड़े का मालिक कहाँ है?
वहां ये सुनसान घाटी है यहां हमारी आवाज के सिवाय और कुछ नहीं सुनाई देता कुछ नहीं चलो
जिंदगी के नाम? अमरत्व के लिए। आने वाले समय के लिए। तुम्हारा समय आ गया है। हमें ढूंढ निकालने के लिए बधाई हुई थी। हेलो, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम आसान कर देते हैं। पागल मत बनो चलन। उष्णा, मैं तुम्हें मारने नहीं, तुम्हें बचाने आ रहा था। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जलन, जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। कुछ नहीं जानते। तुम्हें मारना मेरा मकसद नहीं था जलन, तुम्हें मारना मेरा मकसद नहीं था। तो तुम्हारे लिए इससे बड़ी सजा नहीं है कि तुम अमर रहो?
Konnichiwa. Konnichiwa. Toshiro. Chiharu. Hontou ni gokibou nasurun desu.私たち子供の重荷なんです。すべて試しました。薬もすべて。もう子供たちの前で苦しみたくないんです。誰の前でも。ユキ、泣いてはいけません。これは共同作業なんです。恐れることもありません。このひどい病気にかかっている全ての人の苦痛を取り除かれますように。全ての人の痛みとあらゆる苦しみから自由になれますよ。どうぞ。横になってください。
守られていないもののために私は守護者になれるだろうか。旅する者の導き手として、船として、橋として、小道として、彼らの望む浜辺として、生ける者すべての痛みをすべては消え去り、医者として、薬として、看護をする者として、世界中のすべての病が、世界中の人々が癒えるまで、宇宙のように、地球のような偉大なもの、私はいかなる時もすべての生き物を助け、そして痛みを過ぎるまで、私は生の源となれるだろうか。さまざまな生き物のために、宇宙の終わりを告げる者のために。家族は坂本さんの現状をご存知ですか？ええ、まあ一応は、失礼ですが、具体的な病名は？がんです。どこのがんですか？ああ、内臓です。肝臓です。肝臓。いや、まああまり考えないようにしてまして。ご自分の体を蝕んでいるものですからね、思い出すのも嫌でしょう。痛みますか？下手なお芝居はやめましょう。坂本さん、自殺の手伝いはしません。さよなら。私の話を聞いてください。聞いてくれ。もう2週間もここに隠れているんです。二度と外には出れない。時が全てを解決してくれます。命を終わらせるに値しませんよ。これを決めるのはこの私だ。
最終的にはあなたの判断です。でも、私には関係のないことだ。待て！契約書があるんだぞ。あんたは私を助けるために雇われてるんだ。約束を守らないのなら、契約違反であんたの会社を訴えるぞ。あなたは嘘をついた。契約書は無効です。さよなら。待て！ご覧なさい。金と女におべられたビジネスマンの顔を。おこぴょうものの顔だ。じゃあお前は何なんだ。お前だって怖いんだろ。そこらの連中と一緒で自分自身に向き合うことが怖いんだろ。腰抜けたちを殺すことで自然を支配しようとしているんだ。お前こそ年齢の臆病者だ。どういう気だ坂本さん、望みを叶えてあげましょう。さん、そんなに死にたいんですか。坂本さん、私についてきてください。坂本さん、やってみろ。となっているインドのバレーオブフラワーズ社社長で医師のキャラン・ホドソさんです。まだ機体は路上にあります。ロトサル医師の安楽死に関する活動は世界的に注目を集めており、また針に依頼をする人も世界中にいました。
ご覧のように現場にはオトサル医師のやり方に抗議する大勢の人々が集まっています。お待ちください。信じられません。オトサル氏は死んでいません。生きています。71階建てのビルから飛び降り、そして私と目の前で立ち上がり、とりあえず一緒に来てください。おい、救急隊。はい。私がやったのは自然に死にゆくプロセスのスピードを早めているだけだ。自殺の手助けはしない。死に導くことと殺人の何が違うんだ。言葉では説明できない。もう一度聞くぞ。信用してもらいたいんだろうが、こんなバカな答えをしても何の得にもならんぞ。ドクター、私は真実のみを話しています。ドクターウサル、過去に自殺をしたようなことは2024回あります。はぁ ?2024 回だと。はい。ドクターウサル、年齢は197歳。彼を話して。私の夫です。
話がある。なのか。もう戻れないことを私知っていた。君は僕のものだ。ここにはいられないわ。君は僕のものだ。でも一度愛を知ったらもう戻れないことを私知っていた。それから私のカルメンのつがいが始まった。死んで生まれ変わって、また死んで、また生まれ変わって、繰り返し。もうこれ以上耐えられなくなった。私はあなたを愛したこと、愛していたこと以外、昔のことは何も覚えてないの。いくつもの人生を、たった一つの記憶、それが永遠に続くの。この世に生まれた瞬間から、私はあなたを愛する。Thank you.
Krishna, 今日一つだけ分かったことがある。何？僕は197年の間ずっと死にたいと思っていた。でも今僕は生きたい。あなたはずっと生き続け、私は使う時が来た。カルマの教え、一休などないという教え、葛藤を過ちの告白に変えられるのはブッダのみ。キャッチャーテルト、thank you.
私は与えられた使命を果たしてるだけなんだ。バランスは元に戻った。もう少し、もう少し時間くれる。お前の罰は本当の愛を知ることだった。